बसपा के बस्ती जोनल कोऑर्डिनेटर उदय भान ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दयाशंकर मिश्र को बस्ती 61 लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया है। कल बस्ती के एक स्थानीय होटल में बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन में बसपा प्रमुख मायावती के निर्देश पर यह घोषणा की गई है। भाजपा से बागी जिलाध्यक्ष ने बसपा का दामन थाम लिया है, जिससे बस्ती का चुनाव अब दिलचस्प हो गया है। दयाशंकर मिश्र के बसपा प्रत्याशी बनाए जाने के कारण सपा भाजपा दोनों खेमे की धड़कनें बढ़ गई हैं। श्री मिश्र साकेत महाविद्यालय अयोध्या के छात्र संघ अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद से ही करीब 35 वर्षों से बीजेपी के विभिन्न पदों पर रहने के साथ भाजपा से बगावत करके बसपा का दामन उन्होंने थाम लिया है। मैं टिकट मांग रहा था, जैसे मैंने विधानसभा का 17 में मांगा, 22 में मांगा, विधान परिषद का टिकट मांगा, लेकिन जैसे मुझे निर्जीव करने का पूरा षड्यंत्र था तो मैं सजीव था और मुझे भारतीय जनता पार्टी से नहीं बहुत शिकवा। देखिए, विचार तो कभी कोई किसी को मारता नहीं है, ना मरने देता है, लेकिन नेतृत्व ही तो जो जिले का नेतृत्व होगा, जैसा चाहेगा वैसा चलाएगा। हम लोग चाह करके भी अपने नेतृत्व से मिल नहीं सकते थे। मुझे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो का जो उत्पीड़न हो रहा था, जो उनके हक हुकूक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी वो नहीं लड़ी जा रही थी, उसका मुझे दर्द था। मुझे बसपा ने ऑफर दिया और बसपा ने ऑफर दिया कि आप बसपा की सदस्यता लीजिए, बसपा आपको लोकसभा लड़ाएगी। मेरे भी मन में था, अब इस समय जब भारतीय जनता पार्टी भटक चुकी है, कांग्रेस बसा सपा बसपा इसी में, देखिए 17 में किसी भी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला, तो अगर पूरे देश में भाजपा भटक चुकी है, वो सपा बसपा कांग्रेस के लोगों को MLC बना रही है, राज्यसभा भेज रही है, कार्यकर्ताओं को पूछ नहीं रही है, तो मुझे लगा इस पार्टी में कोई पूछने वाला नहीं है। तो मुझे लगा कि बसपा मुझे अवसर दे रही है, मेरे दरवाजे पर जाकर के बसपा ने टिकट देने के लिए ऑफर दिया।